हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 12th प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड केस स्टडी बेस कर ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम इसकी एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी के केस स्टडी बेस क्वेश्चंस को कंटिन्यू हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसी पैटर्न के और भी क्वेश्चंस को देखना है तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 12th मैथमेटिक्स टर्म 2 के ये पेपर में हमारे पेपर के 3 पार्ट होंगे, ए बी सी, जिसमें कि पार्ट सी का जो क्वेश्चन नंबर 14 होगा वो हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हमारे एनी टॉपिक से रिलेटेड कर सकता है। तो हम इस वीडियो में क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी के टॉपिक के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। एक्चुअली स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है वो आपके बायस थ्योरम के बेस्ड क्वेश्चन है। बायस थ्योरम क्वेश्चन को आप रीडिंग करने के बाद सबसे फर्स्ट आप देखोगे यहाँ पे हमारा गिवन स्टेटमेंट कौन सा है, मतलब व्हाट इज द हैपन। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है व्हाट व्हेन द डॉक्टर अराइव्स ही विल बी लेट, मतलब दिस इज अवर ए, इवेंट ए जो हमारी होगी, जो हम पहले मान के चलना है। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे क्वेश्चन का ये होता है, जो हमारा गिवन होता है हैपेंड हो चुका है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट ए बी द इवेंट दैट डॉक्टर विजिट द पेशेंट एंड ही विल बी लेट। एंड सेकेंड, हमें यहाँ पे जो इवेंट मानना है E1 और E2 इवेंट को मानना है। हमको जो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय मेट्रो, अगर हम देखें तो जो डॉक्टर है वो आइदर कैब से, मेट्रो से, बाइक और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है। तो E1, E2 एंड E3 हम जो क्वेश्चन हमारे पूछते हैं वहां से हम अज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि लेट द E1 be the events, the doctor comes by cab, and E2 be the event, the doctor comes by metro, and E3 he comes by bike, and E4 be the events, he comes by other means of transport. तो सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप ये होता है कि हम ए इवेंट E1, E2, E3, E4 को अज्यूम कर लें। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको आ रहा है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी बायस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है कि डॉक्टर जो है वो विजिट करने गया पेशेंट को और वो लेट हो चुका है, लेकिन हमें निकालना है कि ही कम्स बाय मेट्रो। इट मींस ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A फाइंड आउट करना है। तो हम यदि हम इसको बायस थ्योरम के बेस पर लिखें तो सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। बायस थ्योरम क्वेश्चन में हमारा ये सबसे फर्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, एंड इन देन इसका रेसिपी को लीजिए A अपॉन E2 और सम ऑफ द ऑल इवेंट्स इन दिस टाइप यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ EI एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EI वेर I जो वैल्यू है वो 1 से लेके कहां तक जाएगा, आपका 4 तक जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हम इवेंट को रिप्रेजेंट करते हुए लिखेंगे और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, E1 द डॉक्टर कम्स बाय कैब। तो हियर द गिवन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो हमें डिफाइन किया हुआ है इट इज इक्वल टू 0.3 एंड द डॉक्टर कम्स बाय मेट्रो इट इज गिवन इज 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यदि वो बाइक से आए तो इट इज गिवन हियर 0.1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इज गिवन यदि डॉक्टर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए तो इट इज इक्वल टू 0.4। तो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द बायस थ्योरम हमें जो फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट E2 अपॉन A। तो इसके लिए हमें सबसे फर्स्ट जरूरत होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 की। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A अपॉन E1 मींस ऑफ दैट यदि वो डॉक्टर कैब से आया है, मींस कैब से आ चुका है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी है ना। A अपॉन E1 मींस यदि वो डॉक्टर कैब से आया है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 है ये जो हमारे स्टेटमेंट है वो इफ और देन से ज्वाइन होते हैं। इफ E1 देन हैपनिंग ऑफ A मींस ऑफ दैट E1 मींस यदि वो कैब से आया है तो हैपनिंग ऑफ A मींस लेट होने की जो प्रोबेबिलिटी है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको गिवन है द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर 0.25 ही कम्स बाय कैब, मतलब वो अगर कैब से आएगा तो उसकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है 0.25। नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना होगा फॉर्मूला में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। A अपॉन E2 मींस अगर वो मोटर मेट्रो से गिवन गया
डॉक्टर्स कम्स बाय मेट्रो देन ही विल बी लेट इट इज गिवन हियर 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई 3 इज इफ ही कम्स बाय बाइक देन ही विल बी लेट इट विल बी गिवन हियर 0.35 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई 4। यदि वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है तो उसके लेट होने की जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है 0.1 गिवन है। नाउ अब हम बायस थ्योरम का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को बनाएं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2 मीन्स ही कम्स बाय मेट्रो इट विल बी इक्वल टू हमें गिवन है 0.2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई 2 मीन्स ऑफ दैट 0.3 एंड होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 हमें गिवन था 0.3 मल्टीप्लाई 0.25 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3 मीन्स 0.1 ए अपॉन ई 3 मीन्स 0.35 एंड प्लस ऑफ ही कम्स बाई अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इट इज गिवन यर 0.4 एंड देन इफ ही कम्स बाई अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ही विल बी लेट तो इट इज 0.1। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा एंड इट विल बी इक्वल टू 2/7। सेम इसी पैटर्न में हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि वेन द डॉक्टर एरीज ही विल बी लेट तो इट मीन्स ऑफ दैट ए एंड ही कम्स बाई हमें क्या निकालना है कि ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि वो कैब से आए। तो इट विल बी इक्वल टू बायस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें सबसे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 एंड देन हम क्या लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई 1 एंड टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ और दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई ए अपॉन ई आई और आई की जो वैल्यू हमारी 1 से लेके 4 तक जाएगी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 मंथ मीन्स ऑफ दैट वो कम्स बाई ही कम्स बाई कैब एंड ए अपॉन ई 1 मीन्स वो कम ही कम्स बाई कैब एंड ही विल बी लेट इट इज इक्वल टू 0.25 एंड सम हमें पूरा टोटल सेम पैटर्न में जैसे कि हमने इसके पहले कंसिडर किया था द सेम पैटर्न में हम इन वैल्यूज को लेंगे इट विल बी इक्वल टू 0.3 फिर नेक्स्ट हमें लेना है 0.1 मल्टीप्लाई 0.35 एंड देन प्लस ऑफ 0.4 मल्टीप्लाई 0.1 और हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। मेन हमारा क्वेश्चन है जो हमें गिवन होता है उसे हम ए अज्यूम करते हैं और जिसकी हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है उसे हम न्यूमरेटर में लेते हैं और बायस थ्योरम का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हेन वी सॉल्व इट आवर आंसर बिकम्स 5/14।